हूं आपका म्यूजिक फ्रेंड हारमोनी म्यूजिक जामनगर से जयंत राठौर। आज हम करेंगे फिंगर वार्म अप एक्सरसाइज की तीसरी वाली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हम क्लैप भी करेंगे और काउंट भी करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और एक बीट के अंदर दो नोट इसमें बजा के देखेंगे। तो ये कैसे होता है, ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है, आप एक ही बार में समझ जाओगे, पर थोड़ा सा क्लैपिंग प्रैक्टिस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे, हम कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से उसको प्ले करेंगे, तो हमें बीट्स को साथ में लेके काम करना पड़ता है, तो इसलिए क्लैप की प्रैक्टिस जरूरी है। आप मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करिए, यह भी जरूरी है, तो आपको धीरे धीरे बीट्स भी समझ में आएंगे, ठीक है। तो सिंपल नोट से इसमें सी डी ई डी ई एफ ई एफ जी एफ ई डी सी, और एक बार करते हैं सी डी ई डी ई एफ ई एफ जी एफ ई डी सी। पर इसको जब आप हम क्लिप के साथ करेंगे या तो मेट्रोनोम के साथ करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो लास्ट वाला सी और जो रेस्ट कर रहे हैं हम फोर पे, वो दोनों एक बीट के अंदर एक ही नोट है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये जो फोर खाली गया उसको आपको काउंट करना है, ठीक है, 1 2 3 4, सी डी ई डी ई एफ ई एफ जी एफ ई डी सी, 1 सी डी ई एफ ई एफ ई एफ जी एफ ई डी सी, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप उसको जरूर करिए, और आपको याद रखना है, आपको ये 80 से शुरू करके आपको 150 160 200 तक, अगर आप एक दिन में बैठोगे तो 200 तक ये आराम से हो जाएगा, पर आपको ये प्रैक्टिस जरूर करनी है। इस प्रैक्टिस से आपकी जो बीट्स की समझ है वो भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपके फिंगर भी वार्म अप जरूर होंगे, ठीक है। तो मैं आपको लेफ्ट हैंड से करके दिखा देता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करनी है प्रैक्टिस, बोल के प्रैक्टिस करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आपको साथ में बोलना नहीं आता या तो गड़बड़ हो जाती है तो आप मेट्रोनोम का सहारा ले सकते हैं, तो आपको ये मेट्रोनोम के साथ करना है, ठीक है। समझ लो कि 80 का टेम्पो चल रहा है, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बदलता हूं कि अभी हम करेंगे जो टेम्पो है वो है 80 का, 1 2 3 4 3 और 4, जो भी आप खाली छोड़ रहे हो उसको आपको 1 में काउंट करना है, ठीक है। चलिए 120 में मैं आपको सुना देता हूं, ठीक है। चलिए 150 में मैं आपको करके दिखा देता हूं,
चाहो तो इससे आगे भी जा सकते हो, जैसे 180 है। पर आपको ध्यान रखना है कि ये आपसे मिनिमम 3 बार सही बजनी चाहिए, उसके बाद आप चाहो तो 10 के काउंट में टेम्पो बढ़ा सकते हो, और आपको ये ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, इसको अगर सारे गमा में हम करना चाहे तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो सारे गमा का जनरली स्केल होता है शीशा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको सारे गमा में आप उसको करना चाहे तो आप कैसे कर सकते हो। तो सारे गमा का जो भी आप स्केल यूज कर रहे हो वहां से आप कर सकते हो, सी शार्प या जी शार्प या फिर ए शार्प, जो भी आप यूज कर रहे हो व्हाटएवर, या फिर सी चल लेके चल रहे हो, कोई भी स्केल आप यूज कर रहे हो, तो सारे गमा, ठीक है, जो भी है यहां से कर रहे हो तो सारे जो भी है, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे जी शार्प में करना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए मैं आपको मेट्रोनोम के साथ बता देता हूं। अलंकार आप समझ लीजिए, अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हो तो आप उसी फॉर्म में आगे जा सकते हो, ठीक है। वन तो ये था हमारा एसएमडी, आरओ फॉरवर्ड, आप जो भी समझे, ठीक है। अब मैं आपको वेस्टर्न में रिवर्स करना सिखा देता हूं, तो इसी चीज को आपको रिवर्स करना है, कैसे करना है, जी से शुरू करना है, ठीक है, सेम ही है, आपको सिर्फ नोट्स जो हम सी से शुरू कर रहे थे वो हमें जी से शुरू करना है। तो मैं आपको रिवर्स के नोट्स बता देता हूं, रिवर्स, डिसेंडिंग, अवरोह, जो भी आप समझे। क्लासिकल में करेंगे तो, ठीक है, मैं आपको अवरोह करके दिखा देता हूं, अगर आप अलंकार के रूप में उसको बजाना चाहते हो, क्लासिकल में अवरोह और वेस्टर्न में उसको एसेंडिंग और डिसेंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये दो एक्सरसाइज हो गई हमारी, आप आरओ और अवरोह यानी एसेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों प्रैक्टिस करिए, ये आपसे जरूर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट जरूर फुलफिल करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक बी म्यूजिकल, स्टे म्यूजिकल।